Hello my dear friends, good morning. How are you? Today we are going to discuss a topic on RFC, RFCD and eefc account. जो भी रेसिडेंट, ये तीनों अकाउंट रेसिडेंट इंडियंस के होते हैं. जो भी NRI था, अगर वापस आया इंडिया में तो उसके बाद फॉरेन करेंसी जरूर होगी. उसको कैसे मेंटेन करें उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक इज दैट कि कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रोज एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखना चाहिए, सो दैट आप अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें. कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो दे सकते हैं. संदीप महेश्वरी की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर राजेश अग्रवाल वगैरह काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं. डेली एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो आप अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहेंगे. बाकी ऑल द बेस्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर RFC अकाउंट. RFC अकाउंट एक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, जिसको कि आप सेविंग या करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट भी खोल सकते हैं. लेकिन RD अकाउंट इन तीनों में नहीं खुलेगा. RFC, RFCD और eefc तीनों में ही RD अकाउंट नहीं खुलते. ये चीज़ ध्यान रखें, आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं. करेंसी बैंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी. वैसे फॉरेन करेंसी जो कन्वर्टेबल होती है वही वो लोग लेते हैं, ठीक है. इन तीनों अकाउंट में कोई लोन नहीं मिलेगा आपको, ना ही ओवरड्राफ्ट मिलेगा. ओवरड्राफ्ट इन द सेंस कि अगर मान लो आपके खाते में 5,000 रुपये जमा है तो आपको इसमें से निकालने के लिए 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है. जैसे कि ओवरड्राफ्ट आपका जनधन योजना में, जनधन खाते में होता है, वो उससे नहीं होगा. इंटरेस्ट भी आपको सिर्फ RFC अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी बैंक डिस्क्रिप्शन होगा. और RFCD और आपका eefc अकाउंट, उसमें भी कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, RFCD अकाउंट, डी मीन्स डमी, डमी मीन्स किसी काम के लायक नहीं. तो इसमें जो है करंट अकाउंट होता ही, और सिर्फ आप पैसे रख सकते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. eefc फॉरेन करेंसी, FC ध्यान रहेगा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इसमें भी कोई आपको पैसे नहीं मिलेंगे. eefc अकाउंट मोस्टली कौन खोलता है? एक्सपोर्टर्स खोलते हैं, जिन्हें कि अपना बाहर से पैसा लाना है और सिर्फ उसके अंदर स्टोर करके रखना, दैट्स ऑल. 100% को आप इसके अंदर रिटेन कर सकते हैं. इसमें जो eefc इज़ अ करंट अकाउंट, और इसको आप सिर्फ पैसा स्टोर करने के लिए पर्पज़ से रख सकते हैं. लेकिन अगर आपने ब्याज कमाना है तो आप RFC अकाउंट खोल सकते हैं. eefc अकाउंट मेनली एक्सपोर्टर्स के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स. आपको शायद इन तीनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ में आ गई. इसका एक आप चार्ट बना सकते हैं पॉइंट्स नोट करके, और इसी से ही काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.